खाने डजन, सुट्टे घ्यायचे तर दोन आणायचे तीन। हिंदी सिनेमा के शौकीन इनके नाम और इनके चेहरे से बड़ी अच्छी तरह से वाकिफ है। अक्सर फिल्मों में खतरनाक सास के किरदारों में नजर आने वाली ललिता पवार अपनी बेजोड़ अदायगी से सिनेमा घरों में जमकर मनोरंजन किया करती थी। रामानंद सागर की रामायण में इन्होंने मंथरा का किरदार कुछ इस तरह से जिया कि लोगों को लगा जैसे उन्होंने साक्षात मंथरा को ही देख लिया हो। 7 दशक तक भारतीय सिनेमा में सक्रिय रही ललिता पवार ने 720 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया और अपना एक अलग मुकाम बनाया। ललिता पवार का जन्म 18 अप्रैल 1916 को नासिक के शहर योला कस्बे में हुआ था। माँ बाप ने इन्हें नाम दिया था अम्बा लक्ष्मण राव सगुन। इनके पिता लक्ष्मण राव सगुन सिल्क और कॉटन के व्यापारी थे और अच्छे खासे अमीर थे। और जब ये एकमात्र 11 बरस की थी तभी इन्होंने फिल्मों में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम करना शुरू कर दिया था। एक मूक फिल्म में ये बाल कलाकार के तौर पर दिखी थी और इन्हें बतौर मेहनताना 18 रुपए मिले थे। ये वो दौर था जब स्कूल में लड़कियों को भेजना अच्छी बात नहीं मानी जाती थी, लेकिन इनके पिता ने इनके लिए घर पर ही उर्दू और हिंदी टीचर की व्यवस्था कर दी थी, इसलिए ये थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना जानती थी। घर पर ही इन्होंने शास्त्रीय संगीत भी सीखा। भारत में जब मूक फिल्में बना करती थी तो ये उनमें काफी एक्टिव थी और इन्होंने ढेर सारी मूक फिल्मों में काम किया था। उस जमाने में बनने वाली तकरीबन हर मूक फिल्म में ये नजर आती थी और एक साल में 1 दर्जन फिल्मों में ये काम कर लेती थी। और उसके बाद साल 1984 में इन्होंने टॉकी फिल्मों में काम करना भी शुरू कर दिया था। ललिता पवार दिखने में तो काफी खूबसूरत थी और ये एक जबरदस्त अदाकारा भी थी और यही वजह थी कि इनके पास फिल्मों की कमी नहीं रहती थी। उस दौर में ये हिंदी सिनेमा की सबसे महंगी हीरोइन थी। ये वो वक्त था जब फिल्म की हीरोइन को अपने ही गाने खुद ही गाने पड़ते थे, क्योंकि ललिता पवार ने संगीत की शिक्षा भी ली थी और ये तो आराम से गाने भी गा लिया करती थी। इनके गाए गीत लोगों को बड़े पसंद भी आ रहे थे और ये कामयाबी की डगर पर तेजी से आगे बढ़ती चली जा रही थी। लेकिन साल 1942 में इनके साथ एक ऐसा हादसा हुआ जिसने इनकी जिंदगी बदल कर रख दी और इनके मशहूर हीरोइन बनने के सपने को चकनाचूर कर दिया। जंगे आजादी नाम की फिल्म के लिए ये भगवान दादा के साथ एक सीन शूट कर रही थी। उस सीन में भगवान दादा को इन्हें थप्पड़ मारना था। भगवान दादा ने इन्हें वो थप्पड़ बेहद जोर से मार दिया, इतनी जोर से कि ये जमीन पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई और इनकी आंख की एक नस फट गई। कहा जाता है कि डॉक्टर ने इन्हें गलत दवाई दे दी जिसकी वजह से इनके चेहरे पर लकवा मार गया। इसके बाद लगभग 3 सालों तक ये फिल्म इंडस्ट्री से दूर रही। उस चोट से इनकी वो आंख बेकार कर दी थी और उनकी आंख छोटी हो गई। इस वजह से फिल्मों में बतौर लीडिंग लेडी कामयाबी पाने का इनका सपना कुछ सपना ही रह गया और ये बुरी तरह से फिल्मों के बाद टूट गया और इनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। ललिता पवार को फिल्मों से बेहद प्यार था। कहना चाहिए कि एक्टिंग ही उनकी असली जिंदगी थी। इतना बुरा हादसा होने के बाद जहां अक्सर लोग बुरी तरह से टूट जाते हैं तो वहीं ललिता पवार ने खुद को अंदर से मजबूत किया और फिल्मों के कैरेक्टर में आर्टिस्ट के तौर पर काम करने लगी। दिलीप कुमार, देवानंद और राज कपूर जैसे उस दौर के सितारों में इनसे उम्र में महज 1 या 2 बरस ही छोटे थे, लेकिन एक आंख बेकार हो जाने की वजह से इनके माँ के रोल निभाने पड़ रहे थे और ये बिना किसी संकोच के ये रोल किए जा रही थी। टोटल होने के बाद 1948 में ये M.M. यूसुफ की फिल्म गृहस्थी से ललिता पवार ने फिल्मों में वापसी की। 1950 में रिलीज हुई फिल्म वी शांताराम की फिल्म दहेज में ये पहली दफा सास के किरदार में दिखी, एक ऐसी क्रूर और अत्याचारी सास जो बहू का जीना हराम कर देती है। इस फिल्म ने ललिता पवार को दर्शकों के बीच लोकप्रिय कर दिया। उस रोल से इन्हें बेहद प्रसिद्धि मिली। इन्होंने वो रोल इस गहराई से निभाया कि उस दौर में ज्यादातर माएं ईश्वर से प्रार्थना करती थीं कि उनकी बेटी को कभी भी ललिता पवार जैसी सास न मिले। इसका एक असर ये भी रहा था कि उत्तर भारत के ज्यादातर घरों में लोग उन्हें नापसंद करते थे। 70 सालों तक उन्होंने 700 फिल्मों में काम किया। हिंदी के अलावा इन्होंने मराठी और गुजराती फिल्मों में भी काम किया और इन फिल्मों में इन्होंने एक से बढ़कर एक किरदार निभाए। रामानंद सागर की रामायण में इनका निभाया मंथरा का किरदार भला कौन भुला सकता है। रामायण देखने वाले हर दर्शक ने माना था कि मंथरा के किरदार को ललिता पवार से बेहतर कोई और अदाकारा कभी नहीं निभा सकती थी।
ललिता पवार के करियर की प्रमुख फिल्मों की बात करें तो ये नजर आई दाग, श्री 420, फूल और पत्थर, खानदान, नूर जहां, आबरू, आनंद, गोपी, बॉम्बे टू गोवा, तपस्या, याराना, सौ दिन सास की, नसीब, घर संसार वतन के रखवाले, बहुरानी और मुस्कुराहट जैसी फिल्मों में इनकी आखिरी फिल्म थी 1997 में रिलीज हुई भाई, जिसमें वो एडवोकेट सत्य प्रकाश यानी ओमपुरी की माँ के रोल में नजर आई थी। यूं तो ज्यादातर फिल्मों में ये वैम्प के किरदारों में दिखी, लेकिन कुछ फिल्में ऐसे भी थीं जिनमें ये बड़े ही पॉजिटिव रोल्स में नजर। इनमें सबसे प्रमुख है 1959 में रिलीज हुई राज कपूर की फिल्म अनाड़ी में इनके द्वारा निभाया गया मिसेज दासा का रोल। इसके अलावा आनंद फिल्म में सीनियर नर्स और नसीब फिल्म में मिसेज गोम्स के रोल में ये भी पॉजिटिव कैरेक्टर में दिखी थी, जिन्हें दर्शकों ने भी बेहद पसंद किया था। राज कपूर तो इनके बड़े फैन थे कि इनके साथ काम करने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। इन्होंने जब आरके स्टूडियो में नई बिल्डिंग बनवाई तो उसका उद्घाटन भी उन्होंने ललिता पवार से ही कराया। अगर बात करें ललिता पवार जी की निजी जिंदगी के बारे में तो इनकी दो शादियां हुई थी। इनके पहले पति थे पीजी परवार, जो इनके फिल्मी करियर के शुरुआती दिनों में एक बड़े फिल्म प्रोड्यूसर थे, लेकिन कुछ दिनों में ललिता पवार जीपी पवार से तलाक ले लिया क्योंकि जीपी परवार ललिता पवार की छोटी बहन के बीच अफेयर शुरू हो गया था। इसके बाद इन्होंने राजकुमार गुप्ता से शादी की। इनका एक बेटा भी हुआ जिसका नाम जय पवार है। अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में ये पुणे स्थित अपने बंगले आरोही में आ गई थी। इन्हें जबड़े का कैंसर हो गया था। पुणे में ही 24 फरवरी 1998 को ललिता पवार जी ने 81 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। इनकी मौत की खबर 3 दिन के बाद लोगों को मालूम चली। दरअसल जिस वक्त इनकी मौत हुई थी, इनके पति अस्पताल में भर्ती थे और इनका बेटा अपने परिवार के साथ बंबई में रह रहा था। बेटा 3 दिन तक लगातार इन्हें फोन करता रहा, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। 4th दिन बेटे ने पुलिस को फोन किया और पुलिस ने घर का दरवाजा तोड़कर इनका शव बरामद। ललिता पवार आज भी भारतीय सिने प्रेमियों के जहन में जिंदा है और हिंदी सिनेमा में तो ये अमर हो चुकी हैं। ये बात पूरे यकीन के साथ कही जा सकती है कि बॉलीवुड में ललिता पवार जैसी अभिनेत्री शायद ही फिर कभी आए। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।